सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ मासी जी के घर पे और दिखाएंगे आपको कहाँ जैसे उनके घर है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मासी जी के घर। और कल मैं कहीं और जाने वाला हूँ, तो आज शाम का वहां पर उनके घर पे स्टे करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने डेस्टिनेशन मंजिल की ओर। तो फाइनली दोस्तों, घर से जो है मैं निकल चुका हूँ और आज एक नए रास्ते से जा रहा हूँ। आज जो है मैं नीरचौक साइड जा रहा हूँ, बगला जा रहा हूँ। तो आज एक नया रास्ता लिया है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे कुछ खेत हैं, देख पा रहे होंगे, जहाँ पर हमने आजकल जो है गेहूँ बो रखी है, देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। अभी जा रहा हूँ मैं रोड तक और वहां से लूंगा मैं बस। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रोड पर और वहां से लेते हैं बस को। तो दोस्तों, थोड़ी दूर आ चुका हूं मैं घर से और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पूरा जंगल और जंगल वाला रास्ता है, सुनसान इलाका यहां पर। और अभी जो है रोड की तरफ पर मैं चला हूं, देख पा रहे होंगे दोस्तों पीछे कुछ इस तरह से ग्रीनरी यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपको रोड पर और फिर बस का वेट करते हैं और चलते हैं फिर अपनी मासी जी के घर की ओर। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, अभी जो है यहाँ से इस रास्ते पर जो है रोड का काम जो है लगा हुआ है और जो रोड जो है थोड़ा थोड़ा सा बना हुआ है, तो अभी जो इसका काम बाकी रह गया है, तो थोड़े टाइम बाद जो है ये रोड अच्छा खासा जब बन जाएगा तो गाड़ियां वगैरह इस रोड से भी जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी। देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से है अभी ये। और देख पा रहे होंगे दोस्तों, जंगल, पूरा घना जंगल। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बरगद का पेड़ जो कि बहुत पुराना है और पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार इसके ऊपर जो है विवाह शादियाँ भी करवाई जाती है। सो देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से ये बरगद का पेड़ है। सो दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, मैं रोड पर जो है पहुंच चुका हूं, लेकिन अंधेरा जो है छाया हुआ है, बारिश का मौसम हो रखा है, क्या पता अभी बारिश भी लग सकती है। सो फाइनली दोस्तों, पहुंच चुका हूं रोड पर और अभी कर रहा हूं वेट बस का। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वेट और जब बस आती है तो चलते हैं फिर नीरचौक साइड। सो दोस्तों, बस जो है आ चुकी है और बारिश भी धीमी धीमी लग चुकी है। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर और सीट वगैरह ले लेते हैं। तो दोस्तों, बस के अंदर मैं आ चुका हूँ और सीट वगैरह ले ली है। आज बस जो है खाली खाली सी है, देख पा रहे होंगे। सो फाइनली दोस्तों, मैं उतर चुका हूं और अभी नीरचौक पहुंच चुका हूं, देख पा रहे होंगे। अभी जा रहा हूं मैं आगे एटीएम साइड। सो दोस्तों, अंदर आप देख पा रहे होंगे भीड़ है, तो अभी हमें करना पड़ेगा इधर ही वेट। सो दोस्तों, अब मैं फिर से एक बार बस का वेट कर रहा हूं, मासी जी की घर की साइड जाने वाली बस का, देख पा रहे होंगे। सो फाइनली दोस्तों, बस से जो मैं उतर चुका हूँ, बगला पहुँच चुका हूँ। अभी मासी जी के घर हैं थोड़ी ही दूर, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मासी के घर की ओर और दिखाते हैं आपको कहाँ जैसे उनके घर हैं। हालांकि दोस्तों, मैंने बस के अंदर वाली वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बस के अंदर जो है बहुत सारी भीड़ थी और लोग जो है मुँह की तरफ देख रहे थे। सो दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, रास्ता कुछ इस तरह से है, 4 लाइन का काम लगा हुआ है आजकल और अच्छी रोड का जो है ये काम कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से रोड जो है बना हुआ है। और सामने आगे वैली व्यू होटल भी है, अगर
कोई यहाँ पर रात के टाइम स्टे वगैरह करना चाहता है तो उधर कर सकता है, देख पा रहे हैं दोस्तों। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देख पा रहे, बारिश का मौसम हो रखा है और ठंडी भी लग रही है हमें। सो दोस्तों ये है मासी जी का घर और ये जो है रोड के एक साथ में ही है ऊपर जैसे थोड़ा सा, तो मैं पहुंच चुका हूँ, देख पा रहे होंगे। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर मासी जी के और कपड़े कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। फाइनली गाइज आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय करा होगा, सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।